Hello dear students, once again welcome you all to your online platform of NOS Vision Point. और मैं हूँ आपके साथ आपकी chemistry mentor KP ma'am. तो चलिए chemistry की journey को start करते हैं और आज क्या हम discuss करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करेंगे. पर पहले हम क्या कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए. हम लोग discuss कर रहे हैं module 2 chemistry के chapter number 2 को, जो है आपका atomic structure, और इसका lecture number 9 आज हम discuss करेंगे. और इससे पहले के 8 लेक्चर को जरूर आप देखिएगा, सो दैट आप केमिस्ट्री जो है इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसको और अच्छे और बेहतर ढंग से समझ सको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आज हम क्या सीखने वाले हैं ये जान लेते हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो किस तरह से होती है, और इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के लिए. पर इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द क्वांटम नंबर्स, ठीक है. तो क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने बात किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकता है उसके बारे में बताता है. तो ये जो क्वांटम नंबर था, तो इसमें हमने बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, और किसकी बात की थी, स्पिन क्वांटम नंबर की बात की थी. तो अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर 4s में है, तो इससे आप इस इलेक्ट्रॉन के बारे में ये चारों चीज़ों को आसानी से बता सकते हो, ठीक है. तो अगर आपको पता है ये 4 शेल में है, तो इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू जो है वो 4 है. और अगर आपको पता है कि सब शेल आपका s है, तो l की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0. और अगर मैग्नेटिक जो नंबर क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कहाँ से, माइनस एल से लेके वो वैल्यू ऑसिलेट करती है कहाँ तक, प्लस एल तक, ठीक है. और स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या होता है, ये प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा. यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इतनी इन्फॉर्मेशन आप क्वांटम नंबर के बेसिस पे आप बता सकते हो. अब जब आप क्वांटम नंबर समझ लिया है, तो उसके बाद आपको समझना है आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फिर इसके रिलेटेड प्रिंसिपल, यानी हमें कुछ रूल्स को ध्यान देना है जो है ऑफ बाउ और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है ये क्या कहता है, इसको समझना है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो बचपन में, यानी कि बचपन में हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की बचपन में, ठीक है. तो केमिस्ट्री के बचपन में जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, जो बेसिक हम लोग ध्यान देते हैं वो क्या है, हम लोग बात करते हैं शेल में फिलिंग की, ठीक है. तो अगर आपके पास कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, ठीक है. पहले फील लेते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या यहाँ पे समझना है, ठीक है. तो मैग्नीशियम की अगर बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो बच्चे क्या है, यहाँ पे 12 है, ठीक है. तो अगर हम इसको फिल करते थे, यानी कि 10th लेवल पे अगर हम ध्यान दें, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग फिल करते थे कि हमारे पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, और इसी में हम फिल करते थे 2, 8 और क्या करते थे 2, यानी कि क्या है 2, 8, 8, 18 वाला रूल अप्लाई करते थे, और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हम फिलिंग करते थे, ठीक है. बट अब हम क्योंकि हो चुके हैं बड़े, केमिस्ट्री में भी हम आ चुके हैं ये स्टेप अहेड, और हमने जान लिया है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, क्वांटम नंबर का भी बारे में हमें पता चल गया है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट का है, कि इलेक्ट्रॉन आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसको हमें जानना है और समझना है. तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है. ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो आपको देता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम फॉलोज अ स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है. इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिस भी एलिमेंट का है, जिस भी एलिमेंट के एटम का है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव सबशेल में फिल करना पड़ता है. और दूसरी बात क्या है कि सबशेल के ऊपर लिखना पड़ता है, इसीलिए क्या लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है. तो जो भी आपका सबशेल है, अगर S है तो उसी के ऊपर आप 1, 2 लिखोगे, ठीक है. अगर P है तो उसी के ऊपर आप
1, 2, 3, 4, 5 लिखोगे, डी है तो उसके ऊपर में लिखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस यही फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है कि ये इस तरह का आपका क्या है नोटेशन है, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, तो देखते हैं ये नोटेशन है क्या। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1s1, क्या लिखा है, 1s1 लिखा है, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है तो आप क्या करोगे, ये जो 1 है, तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है तो उससे आपको पता है कि ये क्या है, ये जो है ये आपको शेल की इन्फॉर्मेशन देता है। शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एनर्जी लेवल के बारे में आपको यहाँ पे क्या है इन्फॉर्मेशन, ये 1 यहाँ पे जो लिखा है वो दिया है। यहाँ पे 2 लिखा हो सकता है, 3, 4, 5 लिखा रहेगा, तो वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस, ये स्मॉल लेटर में क्या लिखा गया है, एस लिखा गया है। तो एस अगर हम क्वांटम नंबर्स के टर्म्स में बात करें तो ये जो एस है ये आपको कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, तो वो आप हमें बताइए क्या होगा, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एजीमुथल की बात करें तो ये बताता है हमें टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल किस तरह का है। तो ऑर्बिटल आपके पास क्या है, एस पी डी एफ, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। और एस के सुपरस्क्रिप्ट में जो चीज लिखी है ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आप बड़े आसानी से इस चीज़ को बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है वो ये बच्चे, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एस, तो एस में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एस में आ सकता है, इसमें ध्यान रखना है क्या है, हम लोग इस डिब्बे के फॉर्म में बात करेंगे कि एस के पास एक डिब्बा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की रहने की जरूरत जगह है, यानी इसमें एक कमरा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी, तो पी में कितने कमरे हैं, तो पी में आपके क्या है, 3 कमरे हैं, ये याद रखना है बस। अब एक कमरे में 2 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो बच्चे वो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हर में, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं d की, ठीक है, तो d की अगर हम बात करें तो इसमें कितने कमरे हैं, तो इसमें कमरे हैं आपके 5, यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अगर हैं तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं सो दैट आपको यहाँ पे मैं जगह यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है हर कमरे में, 2, तो 5 में कितने हो जाएंगे बच्चे, तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, डी में आप फिल कर सकते हो, ठीक है। एफ की अगर हम बात करते हैं तो एफ में कितने कमरे हैं, तो ऑन टोटल आपके कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, तो एफ में आपके पास जो है अवेलेबल स्पेस वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक इधर और बना लेते हैं 7, ठीक है। तो 7 अगर एक में 2 लोग रहेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या है आसानी से F में एकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो कमरा वगैरह वाली बात हो गई जिससे आपको याद रखना है, तो क्या याद रख सकते हो कि S में क्या हो सकता है, 1 से 2, यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। P की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1 से लेके यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। P में P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4, P5, P6 तक हो सकता है, पर अगर आप चाहो कि 7 इलेक्ट्रॉन P7 कर दे तो नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूम ही खाली नहीं है कि आप इसमें किसी दूसरे को बैठा सको, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं D की, ठीक है, तो D को अगर आपको समझना है तो इसमें हमने देखा क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है अटेंडेंस लग सकती है, तो इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर बात करें एफ में, तो ये क्या है, 1 से लेके 14, ठीक है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नॉट एकोमोडेट, ठीक है, तो ये नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और क्या क्या हमें करना होता है। तो सिंपल सा लॉजिकल अप्रोच क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की हमें फिलिंग करनी है, ठीक है, और कैसे क्या ये इंफॉर्मेशन देता है, इतनी बात भी अगर आपने समझ ली तो काम बहुत ही आसानी से आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो आप और आसानी से इसको समझ जाओगे। तो ये जो प्रिंसिपल है ये दिया गया था ऑफ बाउ के, तो ठीक है कि चलो आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एस में कितने आएंगे, पी में कितने आएंगे, डी में आएंगे, एफ में आएंगे, पर ये बताइए कि कैसे उनको फिल किया जाएगा,
ठीक है, कैसे फिल किया जाएगा? क्या शेल्स, तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे क्या एनर्जी लेवल आपकी बढ़ती जाएगी, शेल 1, 2, 3, 4, 5, तो कैसे क्या है? पहले SS में सब में भरा जाएगा कि पहले PP में भरा जाएगा कि D में भरा जाएगा, तो कैसे फिल होगी? तो इसका जो तरीका है, प्रिंसिपल जो है, वो किसने बताया था? वो प्रिंसिपल बताया था ऑफ बाओ ने, तो इसी के नाम से हम जानते हैं ऑफ बाओ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है इस प्रिंसिपल की खास बात? तो प्रिंसिपल की खास बात क्या है कि इसे दिया था किसने? प्रिंसिपल आर नेम्ड आफ्टर द जर्मन वर्ड ऑफ बाउ। ठीक है, तो ऑफ बाउ विच मीन्स बिल्डअप। ठीक है, तो बिल्डअप कैसे किया जाएगा? तो ऑफ बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे कि कैसे आपकी क्या है बिल्डिंग ऑफ द एनर्जी बनी रहेगी और कैसे इसको क्या करोगे, फिलअप करोगे। ठीक है, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी बिफोर ऑक्यूपाइंग द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग जो होगी वो सबसे पहले वो क्या होगी, लो एनर्जी से वो हाई एनर्जी पे जाएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले लो वाले जो है जगह हैं उनको ऑक्यूपाई किया जाएगा, फिर बाद में उससे ज़्यादा एनर्जी वाले जो लेवल्स हैं उसमें वो जाएंगे। तो ध्यान क्या कर रखना है कि पहले सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल को भरा जाएगा, फिर जाके हायर एनर्जी में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड बाई सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। यानी क्या होगा वो n+L। ठीक है, n+L यानी कि एज़ीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ऐड करके आप चेक कर सकते हो कि किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये जो फिगर है, ये फिगर है आपका सांप सीढ़ी नहीं है, इसको सांप सीढ़ी नहीं समझना है। ये है क्या, ये सांप की तरह ही कुछ जा रहा है, पर ये है क्या इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, आपने क्या लिख लिया, 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, तो ये रेगुलर आपके क्या है, इंक्रीज हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑफ बाओ ने कहा कि सबसे पहले लोअर एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब n 2 लिख रहे हो तो इसमें क्या है, 2s और 2b पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंड शेल में आपके क्या है, s और p ऑर्बिटल पॉसिबल है। अगर हम n की बात करें 3 हो जाएगा, तो क्या है, s p d तक पॉसिबल है। 4 में क्या हो जाएगा, s p d f। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, ऑर्बिटल अरेंज होगा। तो जो आप फिलिंग करोगे वो कैसे होगा, तो वो सबसे पहले 1s में करोगे, फिर 2s में जाओगे, फिर किस में जाओगे, 2p में। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्या है, जो एनर्जी का लेवल है, ठीक है, इसको बच्चे आपको करना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि ये है बहुत काम की चीज़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह से आप फिलअप करोगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा एनर्जी 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब अगर आप देखते हो p के बाद, देखो इस ऑफ बाओ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, p के बाद क्या आना है, 4s आना है। ठीक है, तो लिखने में तो आप कुछ भी लिख दोगे, पर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सबसे पहले किस में होगी, क्या वो डी में होगी कि एस, 4s में होगी। तो सबसे पहले जो फिलिंग होती है वो क्या होगी, लोअर एनर्जी, यानी कि पहले किस में होगी, 4s में होगी। ठीक है, 4s के बाद जाएगा क्या, 4d। तो पहले 4s आएगा, फिर 4d आएगा। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी लेवल क्या है, बहुत ही कम है। अगर आप इसको किससे, रूल से अकॉर्डिंग करोगे, तो n प्लस l रूल क्या है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, या फिर चलो यहीं पे करते हैं, सो दैट आपको यहाँ पे ही क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3d और 4p, तो हम बोलते हैं क्या कि अगर आपके पास 3d है और एक आपका ये 4p है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 3d में अगर आप n देख रहे हो तो क्या है बच्चे, 3 है। d क्या हो जाएगा, d का मतलब एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, तो चलो फिर से लिखते हैं और याद करते हैं क्या होगा। अगर 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। ये क्या है, l की वैल्यू है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर d है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या करोगे बच्चे, 2। तो आ क्या रहा है, n प्लस 1 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, 5 आ रहा है। अगर हम 4p की बात करें तो ये क्या है, 4 हो गया n, और l क्या हो जाएगा, p है, p की वैल्यू देखो क्या है, 1। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो इसमें भी जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो ये भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ये भी क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। ठीक है, 4p में कैसे चले गए, हमें 3d में करना था, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये नहीं करेंगे हम, हमें लेना था क्या, हमने 4s को किया है, हाँ 3d में आपने निकाल लिया।
ठीक है, हमने ये करना था कि 3P के बाद क्या है 3D आना चाहिए था, पर हमने क्या लिखा है 4S लिखा है। ठीक है, तो बैक टू हम यहाँ पे आते हैं कि हमें अगर हम 4S की देखें तो 4S की अगर आप देखोगे तो क्या है बच्चे, 4S में आपका N की वैल्यू क्या है 4 है, और S जो है S की अगर एजोमेथल क्वांटम नंबर देखोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका अगर आप ऐड करके निकालोगे तो 4, तो N प्लस L जो है जिसका कम आएगा उसकी एनर्जी कम होगी, क्या होगा, जिसका N प्लस L की वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 4S को पहले फिल करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 3D, 3D की जगह हम क्या करते हैं पहले 4S को, फिर 4S के बाद हम क्या करते हैं 3D पे आते हैं। ठीक है, तो 4S के बाद क्या आ जाएगा 3D, फिर 4P, तो देखो यहाँ पे क्या है 3D के बाद 4P, फिर क्या आना चाहिए 4S, तो यहाँ पे लिखा क्या है 4D के बाद क्या आ रहा है 4P के बाद क्या आएगा 5S, फिर 5S के बाद क्या जा रहे हो 4D, तो क्या हो गया 4D एंड सो ऑन। इस तरीके से आप क्या करते हो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है कि अगर N प्लस 1 रूल लगाओगे तो जिसकी वैल्यू कम आएगी N प्लस L में उसी को आप क्या कहोगे उसकी एनर्जी कम, तो उसको पहले। ठीक है, तो ये उसी तरीके के कि अगर आपके पास आपका खुद का एक होटल है तो आपने कहा कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में जो रूम है पहले हम उसको फिलअप करेंगे फिर हम सेकेंड फ्लोर वाला किसी को देंगे। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करोगे फिर बाद में आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब ये N प्लस L जो रूल है ये है क्या, इसके दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना। एक तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया वो ये कि अगर आपके पास N प्लस L है तो जिसकी वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है, तो अभी हमने 4S और 3D वाला देख लिया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपके पास 3S और 3P, तो 3S में N दोनों का 3 है, L की वैल्यू चेंज हो गई, 3S में क्या है 3 और इसमें क्या है 4, तो ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाना पसंद करेगा जिसमें कम एनर्जी होगी, फिर बाद में ये क्या होगा इस वाले में जाएगा। ठीक है, और अब दूसरा जो रूल है ये तो पहला हो गया N प्लस 1 का, और ये जो दूसरा है इसको ध्यान से सुनना और समझना है, वो क्या है कि अगर दो शेल ऐसे हैं जिनके सेम वैल्यू आ रही है, N प्लस L ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का क्या है सेम आए, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम उस समय प्रेफरेंस देंगे उसको जिसका सब शेल का क्या होगा N की वैल्यू सबसे कम होगी उसी को हम पहले फिल करेंगे। क्या समझा, अगर N प्लस L की वैल्यू कम है तो उसमें फिल होगी, पर अगर बराबर आ रही है दोनों की तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसमें N की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 2P और यहाँ पे 3S, ठीक है, आपके पास क्या है 2P है 3S है, 2P और 3S में अगर आप देख रहे हो तो इसमें N प्लस L कैलकुलेट करोगे तो ये भी 3 आ रहा है, 3S में कैलकुलेट कर रहे हो तो ये भी 3 आ रहा है, तो बोलोगे मैम आपने तो अभी बताया जिसका कम आएगा तो उसको हम कर लेंगे, पर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब आपका N प्लस N का वैल्यू N प्लस L की वैल्यू क्या आएगी बच्चों सेम आएगी तो प्रेफरेंस में कौन आएगा हमेशा मुखिया यानी कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगी लेस होगी उसी में आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग होगी यानी इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा। तो इसमें से किस में जाएगा पहले 2p में या 3s में, तो अभी देखो इनका n प्लस l तो बराबर आ रहा है पर जाएगा किस में पहले 2p में जाएगा फिर बाद में क्या आएगा 3s आएगा। ठीक है, तो इस रूल को आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप समझना है वो है प्रिंसिपल का जो अभी आपने समझा है, उसके बाद अभी हमें बात करनी है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हमने ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भरना सीख लिया बेस्ड अपॉन क्या, बेस्ड अपॉन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे हम फिल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के उसके बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन फिलिंग में जो प्रिंसिपल है वो है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा, पॉली ने क्या कहा उसके अकॉर्डिंग क्या है वो ये है कि मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अपोजिट स्पिन कैन फिट इन टू द ऑर्बिटर। सिंपल अगर हम कहें तो इन्होंने ये कहा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्या बच्चों क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम, दो कोई जो भी दो इलेक्ट्रॉन हैं उन ऑफ द सेम एटम हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर आपने चूज किया आप सोचोगे कि उनका क्वांटम नंबर दोनों का सेम होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, यानी उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा या डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ अंतर होना ही चाहिए। तो इसी की वजह से इस लॉ को हम क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जो कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन के पास सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक मोमेंट आर द सेम फॉर द टू इलेक्ट्रॉन्स, मस्ट दे हैव अ स्पिन डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या समझा, हो सकता है उनका अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सेम हो, पर उनका स्पिन जरूर क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, यानी उनके चारों जो क्वांटम नंबर हैं, जो कि n, m, l और s है, ये चारों के चारों क्या होंगे, अलग होंगे। अगर कोई तीन भी सेम है तो चौथा जो है वो तो क्या होगा, अलग होगा। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने समझाया। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल, s सबशेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने होंगे, दो होंगे। p में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और डी में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एफ की अगर बात करें तो एफ में कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ अभी इससे पहले ही डिस्कस किया। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने समझ लिया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर्स कभी भी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो ये था हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो अगर हमने ये दो लॉ जो हैं प्रिंसिपल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑफ द एटम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये दोनों लॉ आपको आना ज़रूरी है, और ये आपको अगर आ गया तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो क्या है कि ऑर्बिटल नोटेशन मेथड, इसमें क्या होता है, इन मेथड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, यही तो अभी हमने ऑफ बाउस से सीखा कि एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन देन इंडिकेटेड बाय द सबस्क्रिप्ट, सॉरी सबस्क्रिप्ट नहीं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ऊपर हमें लिखा जाता है एज शोन इन द एग्जांपल गिवन बिलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, n है, एटॉमिक नंबर क्या है, 7। अगर हम अपने प्रीवियस क्लास के यानी कि बेसिक जो हम कैसे फिलिंग करते हैं तो वो क्या होता है, 2 और 5 फिल करते हैं, पर हमें ये से नहीं फिल करना। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो ये लिख के मत आ जाना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे गलत नहीं होगा, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। तो आपको इसकी तरह नहीं, किसकी तरह, ऑफबाउ प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही क्या करना है, फिलिंग करना है। तो आप कैसे फिल करोगे, तो इसकी आप फिल करोगे कैसे, तो आपको याद रखना होगा ऑफबाउ वाला रूल, यानी कि वो सीरीज याद होना। तो क्या हो जाएगा, 1s यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1s2, 2s2, फिर 2s2 के बाद क्या आ जाएगा, 2p। अब रुक जाओ, क्यों रुकोगे, पहले देखो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 5, 6 और 7, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे, 3। तो एक चीज़ आप देख रहे हो जो बचपन में आपने सीखा था वो भी क्या है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो आपने लिखा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में यानी 2 लगाए तो देखो 2 + 3 कितने हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड शेल में क्या है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, पर आपने इसको ब्रॉड यानी ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में लिखा। तो दिस इज़ हाउ यू फिल। इसको थोड़ा पी को और एक्सपेंड करके भी आप लिख सकते हो, तो पी से कैसे एक्सपेंड करके लिखोगे, तो पी आपका क्या है, आपको पता है 3 में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स 1 में जाएगा, PX PY1, और ये क्या हो जाएगा, PZ आपका 1। तो इस तरीके से भी आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो ये भी आप लिखते हो तो दिस इज ऑल्सो राइट। दूसरा तरीका क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम मेथड, इन मेथड फील्ड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये क्या है, सर्कल नहीं तो स्क्वायर के या मेथड से भी क्या कर सकते हो, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिकेटेड एज एरोस। ठीक है, तो हमें क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो आप इलेक्ट्रॉन का नोटेशन यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपके पास यही नाइट्रोजन का एग्जांपल था, तो इसमें आपने क्या भरा, इसमें आपने एक एरो ऊपर निकाला और एक एरो नीचे, तो ये फुल एरो, या फिर आप क्या करते हो, हाफ एरो में भी दिखाते हो, ठीक है, तो ऐसे लिखते हो, ठीक है, हाफ एरो भी आप हाफ एरो को भी यूज़ करते हो, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या है, हाफ एरो ही दिखाते हैं। तो ये 1s में क्या है, एक ऊपर एक नीचे इलेक्ट्रॉन, यानी इसका स्पिन क्या होगा,
दोनों का अगर 1s में आप इलेक्ट्रॉन देखते हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा, बट क्या डिफरेंस है, स्पिन क्वांटम नंबर. तो हो रहा है ना, ओबे हो रहा है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. 2s को आप ऐसे दिखाओगे और 2p में क्या है, 1, 2, 3. इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रखता है और उसको समझना है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज का लेक्चर यहीं पे हम करते हैं एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. आई होप आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, साथ ही साथ उसके प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होगे और रिवाइज भी कर रहे होगे. बट स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू योर विजन पॉइंट तो आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो और अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो. तो आई होप आपने आज सारे लेक्चर को अच्छे से देखा होगा. सो बाय बाय, टेक केयर.